संदीप अरुणता कांचीलाल की एक और गुड न्यूज सामने आई है। क्या बात है, पवन अरुणी दायक के बाद एक गुड न्यूज देकर अपने फैंस की एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ाना है। तो इस बार पवनदीप अरुणिता को इंडियन आइडल की तरफ से इनविटेशन भेजा गया है, बल्कि पवनदीप अरुणिता को इंडियन आइडल के मंच के लिए शूटिंग पे बुलाया गया है। जैसे ही ये कश्मीर से शूटिंग कम्प्लीट करके लौटेंगे, वैसे ही ये इंडियन आइडल के मंच पर शूट करने जाएंगे। और खास बात ये है कि इस बार इंडियन आइडल 13 ने पवनदीप के संग अरुणिता को भी बुलाया, जो कि हर बार पवनदीप को बुलाया जा रहा था। न्यू ईयर पर इंडियन आइडल ने सक्सेस पार्टी का प्रोग्राम रखा था, जिसमें पवनदीप को ही बुलाया गया था और अरुणिता को पूछा भी नहीं गया था। इस बार अरुणिता को भी बुलाया गया, लेकिन एक खास मकसद से, जिसे सुनने के बाद शायद आपको भी बुरा लगे। अरुणिता के संग संग निहाल तारो, आशीष कुलकर्णी और शायली जैसे स्टार्स को भी बुलाया गया। दरअसल हुआ ये कि इंडियन आइडल 13 का बहुत जल्द फिनाले होने वाला है और अब शो को टॉप 8 कंटेस्टेंट मिल चुके हैं। तो ऐसे में इन टॉप 8 कंटेस्टेंट के संग संग इंडियन आइडल 12 का टॉप 8 कंटेस्टेंट को भी बुलाया जा रहा है। यानी पुराने कंटेस्टेंट और नए कंटेस्टेंट को एक साथ प्रोग्राम बनाया जाएगा और सुनने में आ रहा है कि इन सभी के संग शादी वाला एपिसोड शूट किया जाएगा। जी हाँ, हाल ही में हाउसवाइफ वाला प्रोग्राम शूट किया गया था, जिसमें अदाकारा माधुरी दीक्षित भी आई थी और फिल्म कुत्ता की टीम के कलाकार भी आए थे। और अब शादी वाला एपिसोड शूट किया जाएगा और इन सभी में ये सारे कंटेस्टेंट कुछ नया करके दिखाएंगे। जी हाँ, शादी वाले एपिसोड में कुछ तो नया होने वाला है। शायद टीआरपी के लिए फिर से पवनदीप अरुणिता की शादी दिखाई जाएगी, इसीलिए अरुणिता को इस बार बुलाया गया है। एक तरह से अरुणिता का इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर इस शादी वाले एपिसोड में बन्ना बन्नी के गीत भी गाए जाएंगे। कल कुछ भी हो, लेकिन अपने पुराने मंच पर पहुंचकर पवनदीप अरुणिता की पुरानी यादें भी ताजा होने वाली हैं। जिस मंच से पवनदीप अरुणिता को पहचान मिली थी, उसी मंच पर पवनदीप अरुणिता जा रहे हैं और यहाँ से पवनदीप अरुणिता की दोस्ती को नई पहचान मिली थी, इनके रिश्ते को नया नाम दिया गया था और कहीं ना कहीं पवनदीप अरुणिता इस मंच से एक दूसरे के क्लोज भी हुए थे। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या अरुणिता का इस्तेमाल करने के लिए उन्हें बुलाया जा रहा है, या फिर कोई और बात है, या फिर पवनदीप अरुणिता इस मंच की याद में और इस मंच की स्पेक्ट में खुद जा रहे हैं? पवन अरुणिता हाल ही में वेस्ट बंगाल के कल्याणी में शो के लिए गए थे। पवन अरुणिता का शो देखने के लिए जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, उसकी एक झलक हम आपको दिखाते हैं। वीडियो देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि पवन अरुणिता के फैंस की दीवानगी तो देखिए। लाखों की भीड़ पवन अरुणिता के गाने को सुनने के लिए इस कदर मगन दिखाई दी कि सर्दी में भी भीड़ में सबके सब झूमते नजर आ रहे, एक दूसरे के संग नाचते नजर आ रहे। दूर सजे मंच पर अरुणिता पवन अपना गाना सयोनी गाते दिख रहे हैं और इस गाने पर पवन अरुणिता के फैंस जमकर नाच रहे हैं। पवन अरुणिता ये गाना एक दूसरे की आंखों में आके डालकर गा रहे हैं। भीड़ में लोग इन्हें इस रूम में देखकर खूब कॉम्प्लीमेंट भी दे रहे हैं। पवन अरुणिता की जोड़ी पर खूब प्यार लुटा रहे हैं। लोग नाच नाच कर पवन अरुणिता के संग इस गाने को एंजॉय करते दिखाई दिए। इतना ही नहीं, भीड़ में कुछ लड़के एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर दोनों की तारीफ करते दिखाई दिए, अरुणिता का सपोर्ट करते दिखाई दिए। अरुणिता पवन एक साथ नाचते दिखे, मंच पर एक दूसरे के साथ रोमांस भी चल रहा था और फैंस इन्हें देखने में ही मगन थे। वही आपको बता दें, इस जनवरी लगातार पवनदीप अरुणिता के शो चल रहे हैं। नेक्स्ट शो के लिए पवन अरुणिता कब निकलने वाले हैं, जल्द हम आपको अपडेट देंगे। वहीं दूसरी तरफ पवन का नया सॉन्ग पापा भी जल्द रिलीज होने वाला है, जिसका पोस्टर पवनदीप ने शेयर करके अपने फैंस को बड़ी गुड न्यूज दी है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पवनदीप अरुणिता का कल कल्याणी में बेहतरीन शो हुआ, जिसमें पवन अरुणिता ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। इनके अलावा जो अंदाज देखने को मिला, वो आप सभी के होश उड़ाने के लिए काफी है। कल तो पवन अरुणिता के फैंस ने इन पर प्यार लुटाने में हद ही पार कर दी। पवन अरुणिता को कल फैंस ने कुछ ऐसे ऐसे तोहफे दिए, जिनकी फोटोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है और इन गिफ्ट्स को देखकर इनके घर वाले भी सोच में पड़ जाएंगे। दरअसल हुआ ये कि कुछ फैंस पवन अरुणिता के लिए महंगे महंगे तोहफे लाए थे, तो कुछ कार्ड पर इनके लिए अपनी फीलिंग्स लिखकर लाए थे। जब अरुणिता ने वो कार्ड देखे, तो उनकी हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और उन्हें इन पर खूब प्यार आ रहा है। एक फैन ने पवन अरुणिता के जितने गाने हैं, उन सभी के टाइटल को जोड़ते हुए पूरा गाना तैयार करके इस पन्ने पर उतार दिया, जिसे पढ़कर पवन अरुणिता का दिल खुश हो गया। गर्व महसूस हुआ कि उनके फैंस उन पर इतना प्यार लुटाते हैं। और पवन अरुणिता ने इस कार्ड की फोटो फैंस के
साथ शेयर की है। पवन अरुणिता की फोटोज के साथ साथ इन प्यारे से गाने को दिखाया गया है। फैंस ने पवन अरुणिता के हर एक गाने को पन्ने पर प्यारी सी लाइंस के साथ जोड़ा है। वहीं ये कार्ड में पवन अरुणिता को खास नाम से प्रेजेंट किया गया है, जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है, पवन अरुणिता को किन किन नामों से बुला सकते हैं, इन पर क्या क्या नाम सूट करते हैं, इस जोड़ी के लिए आप कौन सा नाम देना चाहेंगे कॉमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। भुवनेश्वर में एक बड़ा फेस्ट होने वाला है जिसका नाम है डॉट फेस्ट। इस डॉट फेस्ट में तमाम एक्टिविटीज होंगी, खेल खाने पीने से लेकर म्यूजिक भी होगा। ये फेस्ट 15 जनवरी से शुरू हो रहा है और 24 जनवरी तक चलेगा, जिसमें तमाम सिंगर्स भी आ रहे हैं। जी हाँ, अलका याग्निक से लेकर उदित नारायण और गुरु रंधावा जैसे सिंगर्स आ रहे हैं। इन्हीं सिंगर्स के बीच पवन अरुणिता भी होंगे। इस फेस्ट को लेकर शहर की मेयर ने भी बात की और फेस्ट को लेकर तमाम जानकारी भी दी है। ज्यादा से ज्यादा लोगों के जुड़ने की अपील की जा रही है। तो चलिए पूरी लिस्ट दिखाते हैं, जिसमें पवन अरुणिता के साथ साथ बाकी स्टार्स भी बताते हैं। इनके अलावा फिल्म इंडस्ट्री के सितारे भी होंगे। और पहले दिन यानी 15 जनवरी को गुरु रंधावा के साथ दिशा पठानी आ रही है। उसके बाद 16 जनवरी को हर्षदीप कौर, नवराज हंस, प्रिया मलिक आ रही है। 17 जनवरी को नीति मोहन, दिव्या आ रही है। 18 जनवरी को लीसा मिश्रा, सनीति मिश्रा, ऋतुराज आ रहे हैं। और 19 जनवरी को हरि प्रसाद चौरसिया आ रहे हैं। और 21 जनवरी को अमित त्रिवेदी, 22 जनवरी को उदित नारायण, अलका याग्निक, 23 को सिद्धार्थ और आखिरी दिन यानी 24 जनवरी को सुखविंदर सिंह, सलमान यूसुफ और पवनदीप अरुणिता आ रहे हैं। जी हाँ, 24 जनवरी को पवनदीप अरुणिता आ रहे हैं। इतने स्टार्स के बीच पवनदीप अरुणिता होंगे तो धमाल होना तय है। आपको बता दें, भुवनेश्वर में होने वाला डॉट फेस्ट 2018 से हो रहा है, लेकिन बीच में बीमारी की वजह से इस शो को रोक दिया गया था और फिर से इस शो को शुरू कर दिया गया है। ऐसे में काफी टाइम बाद शो शुरू हुआ है, तो कुछ तो नया होने वाला है और इतने ढेर सारे स्टार्स भी आ रहे हैं, तो कमाल और धमाल तो दोनों होगा ही। पवनदीप के फैंस के लिए एक बड़ी गुड न्यूज सामने आई है, जिसने सुबह सुबह फैंस का दिल मना दिया। जी हाँ, इस बार पवनदीप के सीरियल की खबर सुनकर आपको भी झटका लगने वाला है। एक बार फिर पवनदीप की कामयाबी की वजह सुर्खियों में है। पवनदीप के इन छोटे छोटे प्रोजेक्ट की खबर तो मिलती भी नहीं है, तो सोचिए पवन अरुणिता हर रोज कितने ऐसे छोटे प्रोजेक्ट पर काम करते होंगे। जी हाँ, इस प्रोजेक्ट की खबर पवनदीप ने भी नहीं दी। वैसे तो वो इस वक्त अपने इधर उधर के बड़े शोज में बिजी है, तो वो इन छोटे छोटे प्रोजेक्ट की अपडेट देना भूल ही जाते हैं। अभी अभी वो अपने घर उत्तराखंड में पूजा करके लौटे और उसके बाद केरला शो करने भी पहुंचे और अब नेक्स्ट शो के लिए अरुदीप उड़ीसा जाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले पवनदीप के सीरियल की खबर सुन लीजिए। जी हाँ, पवनदीप की आवाज अब बड़े अच्छे लगते हैं शो में गूंजती दिखाई दी। जिस सीन में नकुल दिशा को पिंक चूड़ियां पहना रहे हैं, उस बीच और उनके बीच एक छोटी सी बच्ची खड़ी है, घर में बाकी लोग भी नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि घर में माता की चौकी रखी गई है, घर में पूजा पाठ चल रहा है, तभी पवनदीप की आवाज सुनाई देती है। अभी तक इस पूरे सीरियल का वीडियो सामने नहीं आया और ना ही पवनदीप ने अपने सीरियल की बात बताई है, लेकिन जैसे ही सीरियल के एपिसोड आएगा हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। आपको बता दें, इससे पहले अरुणिता कांझीलाल भी एक बंगाली सीरियल में अपनी आवाज देती दिखाई दी थी। अब पवनदीप ने भी अपनी आवाज सीरियल में देकर फैंस का दिल खुश कर दिया। और ऐसे ही पवनदीप एक एक करके बॉलीवुड में अपनी खास पहचान बनाने में लगे हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।